देखते हैं यही वहाँ चालू कर लिया। हाँ कैसे लगे मूवी? शुरू से शुरू करें। हाँ शुरू ठीक है स्टार्ट। 1 2 3 गो। इसको बोलते हैं मूवी है ना, इसको बोलते हैं मूवी। जो इतने टाइम से हगे जा रहे थे ना बॉलीवुड वाले ये वो सब, उनको ना इस मूवी से सीखना चाहिए कि कैसे प्रॉपरली मूवी बनाई जाती है। शांची I think he's the hottest Marvel hero. I absolutely loved it. Can I be honest? I was clapping away like a 5-year-old. It's a must watch. Shang-Chi ka bus wala scene. I mean like pura bus wala scene. It's like epic. Beyond expectations. Perfect Marvel ka dhamaka. एक्शन सीक्वेंस किसको बोलते हैं, कंटेंट किसको बोलते हैं, स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं, वो इनसे सीखना चाहिए। किनसे? शेंगची वालों से, मार्वल्स वालों से सीखना चाहिए। हॉलीवुड के फैन है आप? हॉलीवुड नहीं नहीं देखिए, मैं फैन तो बजरंग बली का हूँ लेकिन मैं सुपर हीरो फिल्में इसलिए देखता हूँ क्योंकि अब हनुमान जी तो नीचे आएंगे नहीं। अच्छा, तो फिल्म में क्या क्या अच्छा लगा वो बताइए। फिल्म में सब कुछ अच्छा है, फिल्म का एक्शन अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है, फिल्म में कंटेंट अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म को डायरेक्ट जो किया है वो मार्वल्स ने किया है, तो मार्वल्स अपनी हर फिल्म को 100% ही देता है। फिल्म के एक्शन के बारे में कुछ बताइए। फिल्म का एक्शन क्लास, फिल्म में शुरू से लेकर लास्ट तक एक्शन ही एक्शन भरा हुआ है। जैसे बोलते हैं ना हम देसी तड़का, तो चाइना वालों ने भी अपना वाला तड़का इसमें यूज किया है, अपना वाला फॉर्मूला डाला है, तो कहीं ना कहीं फिल्म ऐसा लग रहा था कि हाँ उन्होंने अपना भी एफर्ट लगाया है, लेकिन फिल्म बहुत क्लास है। एक्टर्स की जो मेहनत है वो लाजवाब है। अच्छा मूवी विजुअल्स कैसे है? विजुअल्स बहुत सही है, मतलब फर्स्ट हाफ लोग कहेंगे कि सेकंड हाफ ज्यादा अच्छा था, बट मैं कहूंगा कि फर्स्ट हाफ जब आप देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा आप एक मार्वल की फिल्म देख रहे हो, लेकिन जब आप सेकंड देखते हो, सेकंड हाफ तो आपको ऐसा लगा आप कोई सी चाइनीज फिल्म देख रहे हो, जैसे मंकी किंग वगैरह थी उस तरह की फिल्म। कॉमेडी वगैरह है कि नहीं? कॉमेडी तो क्लास, कॉमिक टाइमिंग तो यार मैं मार्वल्स का इस बात में फैन हूँ कि सुपर हीरो मूवी में कॉमेडी कैसे डालना है वो मार्वल्स को बेक मतलब बिल्कुल सटीक तरीके से पता है। आपने किंग से कंपेयर कर दी इस मूवी? मंकी किंग से कंपेयर मत करो आप, अगर बात करूं मार्वल्स की मूवी में तो राधे से कंपेयर करें। अरे राधे सलमान अलमान की बात मत करो, कल ही मैंने देखा कि कोई सलमान के ऊपर आरोप लगा रहा है। अच्छा ये बताइए फिल्म के हिंदी डबिंग देखे आपने इंग्लिश देखी? हिंदी यार सभी ने हिंदी देखी, देसी शक्ल से दिख रहा हूँ आज मैं। अच्छा तो डबिंग कैसे क्या थी? हिंदी क्लास, मतलब डब अच्छा किया है लेकिन कहीं ना कहीं वो डायलॉगों को फेर बदल करके वो अपना तो हिंदी ऑडियंस के हिसाब से डायलॉग। हाँ लेकिन नहीं वो चीज सही भी है। तो पंच लाइन कैसी है हिंदी? पंच लाइन अच्छी है, स्पेशली कहूंगा कि जो एक लड़का और लड़की की जो दोस्ती वाली बॉन्डिंग दिखाई है वो बहुत क्लास दिखाई है। कॉमिक टाइमिंग जितनी भी है वो उन दोनों के बीच में ही है, अदरवाइज मैं कहूंगा वो दोनों नहीं होते ना साथ में तो फिल्म में मजा ही नहीं आता। अच्छा ये बताइए कि मार्वल के बाकी सुपर हीरो हैं जैसे थोर, कैप्टन अमेरिका, सलमान खान आयरन मैन, उनके जैसा इसको प्रेजेंट किया मार्वल ने? हाँ बिल्कुल 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 इंसाफ किया है, लेकिन इस फिल्म में मैं आपको एक चीज बता दूं, जो 10 रिंग्स थी ना वो फिल्म के लास्ट में मिलती है उनको। स्पॉइलर मत दो, लोग गालियां देंगे कमेंट में। स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, वो लास्ट में तो ट्रेलर में भी दिखाया था कि लास्ट में मिलेगी उसको 10 रिंग्स, तो जो इनकी जो पावर है ना वो इसके अगले पार्ट में दिखाएंगे कि किस तरह से वो यूज करते हैं। इस पार्ट में हीरो की पावर नहीं पता? इस पार्ट में तो वो एक ही काम में पूरी सारी पावर लगा दी उन्होंने, अगले में दिखाएंगे कि जब थेनोस यहाँ आता तब ये पावर कहाँ घुसेड़ के बैठे थे। अच्छा ये बताइए थेनोस के पहले की कहानी? थेनोस के पहले की भी कहानी चलो दिखाई है, बहुत सारी चीजें दिखाई है। डॉक्टर स्ट्रेंज को इसमें नहीं दिखाया है, उनके जो साथी रहते हैं उनको दिखाया है, तो अब देखना ही होगा कि अब किस तरह फिल्म आगे बढ़ती है, इसका सेकंड पार्ट बहुत कुछ बताएगा। चलो फिल्म के हीरो के बारे में तो सबने बता दिया, फिल्म के विलन के बारे में बताइए, उसका कैसा क्या काम था, क्या खास था, क्या? देखिए फिल्म में आपको अगर बात करूं 20 मिनट लास्ट के 20 मिनट के पहले तक आपको ऐसा लगेगा कि यार हीरो का कोई रिलेटिव है, बताऊंगा नहीं कौन है वो विलन है, लेकिन फिल्म के लास्ट के 20 मिनट में विलन कोई और ही हो जाता है। मैंने कहा ना लास्ट में फिल्म चाइनीज बन जाती है, हाँ। तो लास्ट में आप समझ जाओ कि वो विलन कौन था, तो देखा बाद में बताऊंगा ना, अभी स्पॉइलर दे दिया। नहीं स्पॉइलर दो मत, लोग गालियां बकेंगे। हॉलीवुड की जो मार्वल्स की फिल्में सक्सेस होती है बॉक्स ऑफिस पर, ये सक्सेस होगी कि बिल्कुल होगी जिस हिसाब से एक सीट छोड़ के दूसरी पे बिठाया जा रहा था उसके बावजूद भी थिएटर लगभग फुल था, आप लोगों ने देखा कि 120 ऑडियंस थी अपने सपना संगीत तो लगभग 100% की नहीं लगभग मूवी जो है वो ब्लॉकबस्टर होने वाली है। अगर ब्लैक विडो भी लगती तो मेरे हिसाब से वो भी चलती। अच्छा बड़े पर्दे पर देखने में मजे आए या फिर इस तरह की फिल्मों को? मार्वल्स की फिल्में सभी को रिकमेंड करता हूँ कि बड़ी स्क्रीन पर ही देखो, ₹5 में डलवा के क्या ही उखाड़ लोगे। बाप तुम खसकते वहां चले गए, थोड़े आगे वहां पीछे खसकते, चलो पाताल में घुसो। करते हैं उसको आउट ऑफ 5 कितने स्टार दोगे? आउट ऑफ 5 मैं मेरे साइड से 4 दूंगा, लेकिन वो जो एक काटूंगा ना वो मैं काटूंगा कि फिल्म ना लास्ट में पूरी चेंज हो जाती है। अच्छा ये बताइए फिल्म फैमिली ऑडियंस के लायक है या नहीं? अरे मेरे को बड़ी अच्छा लगा ये चीज, मतलब फिल्म में कुछ भी ऐसा, मार्वल्स की फिल्म इसलिए तो अच्छी लगती है सबको कि फिल्म में कुछ गलत नहीं होता। बहुत सारी में नहीं ऑलमोस्ट जो सुपर हीरोज मूवी होती
सुपर हीरो मूवीज होती है उनमें कुछ गलत नहीं होता, वो तो चलता है यार। वो आजकल तो हम सड़क पे देखते हैं। किस थे फिल्म में? आजकल तो स्प्लेंडर वाले ले लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं थे मतलब यार हीरो के लिए हीरो नहीं फिल्म में, नहीं मतलब थिएटर में दूसरे लोग अपन सबसे आगे बैठे थे, अलग बैठे थे। अब बात